झारखंड में वोटर्स को लुभाने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से अपने अपने घोषणा पत्र में वादों की झड़ी लगा दी गई। लुभावने योजनाओं की बातें कही गई तो चुनाव प्रचार में हिंदुत्व तो तुष्टिकरण, घुसपैठ, विस्थापन, रोजगार गारंटी, डेवलपमेंट जैसे मुद्दे छाए रहे। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व का सबसे बड़ा उत्सव संपन्न हो गया है, अब बस परिणाम पर नजर है। एक से बढ़कर एक वादे और बड़े बड़े दावों के बीच 23 नवंबर को फैसला आ जाएगा। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, जिनमें 28 आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, यानी एक तिहाई से भी ज्यादा। ऐसे में झारखंड चुनाव के मुद्दों को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, इंडी गठबंधन ने नफरत फैलाने का आरोप लगाया, बीजेपी ने भ्रष्टाचार पर वार किया, इंडी गठबंधन ने विक्टिम कार्ड को हथियार बनाया, बीजेपी ने माटी बेटी रोटी पर वोटिंग की अपील की, इंडी गठबंधन ने बड़े उद्योगपतियों से साठगांठ बताया, बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, हेमंत सोरेन ने कहा झारखंड न बटेगा न टूटेगा, बीजेपी ने सास बहू के लिए योजना की बात की, इंडी गठबंधन ने मैया योजना पर वोट की अपील की, बीजेपी ने कहा सहारा का पैसा वापस दिलाएंगे, इंडी गठबंधन ने पूछा पैसा वापस कब दिलाएंगे, बीजेपी ने हिंदुत्व पर खुलकर प्रचार किया, इंडी गठबंधन घुसपैठ पर डिफेंसिव रहा। दो चरणों में झारखंड के लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो गया। एक तरफ कटोगे तो बटोगे, बेटी रोटी माटी और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा, तो दूसरी तरफ बांटने की सियासत और ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा। संथाल में आदिवासी मूलवासी घुसपैठ हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहा, तो कोयलांचल में जमीन अधिग्रहण यूनियन विस्थापन जैसे मुद्दों पर फाइट। कोयलांचल से प्रभावित सीटों की बात करेंगे तो धनबाद और झरिया ही नहीं बल्कि राजधानी रांची से लेकर कांके, रामगढ़, बाघमारा, सिंदरी, निरसा तक ट्रेड यूनियन का असर दिखता है। लोकतंत्र के सियासी रण को साधने के लिए इंडिया और एनडीए गठबंधन की तरफ से अलग अलग रणनीति के तहत चुनावी मैदान में कूदा गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, दावे किए गए, वायदे किए गए और इसका नतीजा ये रहा कि बंपर वोटिंग हुई झारखंड में। अब जो है तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब देखना है कि 23 नवम्बर को झारखंड किसे अपना जनादेश दे रहा है। झारखंड चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से चुनावी रेवड़ी का सहारा लिया गया। सस्ता गैस सिलेंडर, मैया सम्मान योजना, सास बहू के लिए योजना, नौकरी के वादे, एक वोट सात गारंटी। अब बस फैसले का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।